छह जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण गृह त्याग कर वे सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी, एक, हिंसा न करना, दो, सदा सत्य बोलना, तीन, चोरी न करना तथा चार, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रंक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को त्रिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रिय दर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। पहले जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई। इसी सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जो श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं एवं दिगंबर जो एकदम नग्नावस्था में रहते हैं के नाम से जाने गए। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धिक क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, एक, सम्यक दर्शन, दो, सम्यक ज्ञान और तीन, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में इन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था।
सात बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के सातवें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने इन चार दृश्यों को क्रमशः देखा। पहले बूढ़ा व्यक्ति, दो एक बीमार व्यक्ति, तीन शव एवं चार एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कालाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेंजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के केंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और 2 उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं। सभा प्रथम बौद्ध संगीति, समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। सभा द्वितीय बौद्ध संगीति, समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक। सभा तृतीय बौद्ध संगीति, समय 255 ईसा पूर्व,
स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मुक्कलीपुत्ततिस, शासनकाल अशोक और सभा 4 चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय ईसा के प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध और 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन हैं 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति एवं 8 सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन 10 शीलों पर बल दिया। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय चोरी न करना, 4 अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 मद्य सेवन न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 धन संचय न करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना और 10 नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यमार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं।